बिलासपुर जिले के कुछ विधानसभा एकात धमतरी के एक बलौदा बाजार के ऐसे कुछ अब बचे हैं, थोड़े से जो बचे हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा लोगों के बीच में और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी और साथ ही लोगों से विकास के जो मांग की गई उन सौगातों को भी दिया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है वैसे उसे हताशा उनके बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था अब ईडी स्थायी रूप से ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहाँ तक के शराब की बात है, शराब का जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में और 2017-18 में आबकारी मद से लगभग 3,900 करोड़ की प्राप्ति हुई। जब से नीति बनी, क्योंकि भाजपा शासनकाल में नीति बनी और तब से 3,900 करोड़ रुपया उस समय एक वर्ष में आया था। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 3,900 करोड़ लगभग 4,000 करोड़ कह सकते हैं, अब वो बढ़ के 6,000 करोड़ हुआ है। दूसरी बात ये है कि 2017 में जो शराब जो व्यवसाय से संबंधित डिस्टलर है, अधिकारी है, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार मुझे कहा गया कि इसमें ये वही लोग हैं लेकिन हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथा कथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। जब आपके राजस्व में डेढ़ गुना वृद्धि हो गई, डेढ़ गुना से अधिक, तो फिर आपका आरोप तो ऐसे ही मिथ्या हो जाता है। दूसरा, आबकारी विभाग के भारत सरकार लगातार, भारत सरकार के जो सीएजी है वो हर साल उसके ऑडिट करते हैं और सीएजी विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को क्लीन चीट दी है। मतलब प्रतिवर्ष ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद उसको क्लीन चीट दी गई है। फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि आयकर के टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहाँ नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहाँ कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहाँ, किस नेता के यहाँ, किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी असफल रहे और सर्क मारे ईडी अधिकारियों द्वारा ही प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। अभी मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने के नहीं दे रहे हैं, खाने दे दिए, भोजन दे दिए तो पीने के नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। प्रेस उसके जो नोट है वो पहले से टाइप्ड होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं,
नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे, इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए। और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चलाचल संपत्ति जब्त किया आपने? और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं, चलाचल संपत्ति कहाँ जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं, और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, उसको मदद करना उनका काम है। अभी लगातार इस प्रकार से और भी ये षड्यंत्र ये लोग करेंगे दबा। अब ये लोग भी अधिकारी हैं, जैसे यहाँ का अधिकारियों को प्रताड़ित करके जबरदस्ती हस्ताक्षर करा रहे हैं, तो ये भी अधिकारी ही हैं, इनके ये परिवारदार हैं, इनको भी मजबूरी में ये लोग यहाँ हैं। अब 3-3 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं, बस उसी को बुलाना, उसी को पकड़ना, उसी को नोटिस देना, उसी को बयान लेना, और घंटों बिठाए रखना, 2 ठोक सवाल रहेंगे और सुबह से बुलाए रहेंगे 10 बजे 11 बजे से रात को 2 बजे छोड़ रहे हैं, पूछते कितने हैं? 2 सवाल, 5 मिनट का काम है। लेकिन वो परेशान करना कि ईडी कार्यालय में फलाने को बुला लिया गया, तो ये दहशत फैलाने का काम कर रहा है। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, ये लोग कितना भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, और ऐसे षड्यंत्रों को पहले भी बेनकाब कर चुके हैं हम लोग, और आगे भी हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं हैं। ये चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, नहीं तो बताना चाहिए कि इन्होंने चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की। उन्हीं वही लोग हैं जिसको आईटी छापा मारते हैं, वही लोग वही उन्हीं घरों में फिर ईडी वाले छापा मारते हैं, लेकिन कोई प्रेस नोट जारी नहीं करते कि किसके घर में कितना पैसा मिला। तो ये केवल षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। ये आज व्हाट्सएप वगैरह हम देखो, सोशल मीडिया में देखो, इतना उनके पाछे खिल गई है। 40% वो कर्नाटक में चला है ना, उसी तरह में यहाँ भी 40%, अब उसको मालूम भी हो गया 40% है। तो ये रमन सिंह और पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो 2 रुपया टीक वाले जो है ना, वो सब लोग लगे हैं। तो इससे न हम लोग डरने वाले हैं, न परेशान होने वाले हैं। हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने मैंडेट दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता के हम सेवा कर रहे हैं, और राजस्व में वृद्धि किए हैं पिछले सरकारों से। लोग कहते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आता, किसान को जब लॉकडाउन के समय जब पैसा दिया तब किसानों ने कहा आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता, पहले भी सरकारें थी। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, और वृद्धावस्था पेंशन, मितानिनों के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, नगर सैनिकों के, सबके वेतन में वृद्धि हम लोगों ने की। भूमि श्रमिकों के साथ साथ आप देखिए बेरोजगारी भत्ता भी हमने देना शुरू किया है। तो डायरेक्ट हम लोग पैसा हितग्राहियों के खाते में डाल रहे हैं। पहले जैसे टिफिन, चप्पल, जूता, मोबाइल नहीं खरीदने कमीशन खाने के लिए, वो काम हम लोग नहीं करते थे। और सरोज पांडे जी कुछ बोल रही थी, पहली बात तो भाई देखो, मैं इतनी सारी योजनाएं बताया, कहाँ से पैसा आता है? टैक्स पैसा आता है। भारत सरकार हमको वैसे भी पैसा नहीं देती, कटौती करती रहती है। तो इसमें GST 18% लगता है, 9% राज्य को मिलता है, 9% भारत सरकार को जाता है। सरोज पांडे जी से ये कहना चाहूँगा, वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में अब 9% तो कम से कम छूट करा दे। और दूसरी बात, पिक्चर देखने के बाद, तो उस समय आपको याद होगा
आप सब गए थे मेरे साथ कश्मीर फाइल, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बोले थे चलो कश्मीर फाइल देखने। विधानसभा चल रहा था, मैंने कहा चलो, मैं उनको भी निमंत्रण दिया था, पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया, पत्रकार तो गए, कांग्रेस के विधायक लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, नहीं थे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ठीक बात बोल रहा हूँ? तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दे। ये क्या कौन सा है? हाँ, तो उसको रमन सिंह को जरूर ले जाए निमंत्रण दे के, और पूरे परिवार को दिखाए पिक्चर। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री भत्ता को लेकर प्रदर्शन करने वाली है, उनका कहना है कि जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें शिथिल किया जाए, उस फॉर्म नियम है उसमें परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी के समय 15 साल जो नियम थे उसको निकाल के देख ले, और हमारे शासनकाल में जो नियम निकले हैं आयोजन के उसको देख ले। उसमें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर जनपद कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था, यहाँ तो ऑनलाइन आप भर रहे हैं। दूसरा, चेक लेने के लिए आना पड़ता था, अब उनके खाते में सीधा जा रहा है। तो और नियम कौन से है? जितने नियम हो सब शीतल, घर घर बैठे आवेदन कर रहे हैं। एक महीने में 70,000 लोग आवेदन कर लिए, मतलब 1,27,000 लोग, 70,000 उसे वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा भी डालने का काम हो गया। तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना, इन पे गौ माता के नाम से वोट मांगते रहे, गौ माता की सेवा नहीं किए। छत्तीसगढ़ 15 साल सरकार में रहे, रामवन गमन पर्यटन पर पत्नी बनाए। हमारे शासनकाल में तो रामायण की भी आयोजन हो रहा है, उसमें पारितोषिक भी दिया जा रहा है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस की बन रही है, और बजरंग बली है ये भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा जरूर मारेंगे। देखो ऐसा है कि उसको अब क्या रहता है कि जब एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं ना, तो उसको बार बार निष्ठा बताना पड़ता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस छोड़ के, तो उसको बार बार निष्ठा बताना पड़ रहा है। तो निष्ठा बताने के लिए सबसे क्या है कि सोनिया जी राहुल जी के बारे में अनर्गल प्रलाप करो, ताकि उसके आंखें खुश रहे। जिस दिन वो बोलना बंद कर देंगे उसकी कुर्सी छीन जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।